Welcome to Martial Minds. Let's have a great day. Martial Minds एक मर्तबा फिर आपके लिए लाया है एक informative video. So in this video, we will give you some informative knowledge. So without wasting your time, let's start the video. Martial Minds आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया है कुछ ऐसे foods that killing you slowly, slowly and slowly. ऐसे फूड जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं बट आपको नहीं पता कि वो आहिस्ते आहिस्ते स्लोली स्लोली आपको इंटरनली वीक कर रहा है और आपको मौत के करीब लेके जा रहा है. वो कौन से ऐसे फूड्स हैं, आए हम आपको बताते हैं. कैंड टोमेटो सॉस. कैंड टोमेटो सॉस टिन में जो हम सॉस यूज़ करते हैं, जो कि टोमेटो केचप जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली ये आपको अंदर से ख़त्म कर रहा है. इसके अंदर बहुत से हिडन केमिकल यूज़ किए जा रहे हैं. इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर यूज़ की जा रही है. ऐसी चीज़ें इसमें यूज़ की जा रही हैं जो आपकी बॉडी में फैट का लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, आपकी डायबिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, आपके दिल की कुछ अमराज, दिल की कुछ ऐसी बीमारियाँ जो आपको हार्ट अटैक के करीब लेके जाती हैं, उसको बढ़ा रहा है. न सिर्फ ये बल्कि ये केचप आपके दांतों को भी नुकसान पहुंचा रहा है. तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, अपने बच्चों को दूर रखें. जैसा कि आपको पता है आजकल हर चीज़ के अंदर ये यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो, चाहे वो कोई भी बाहर का समोसा आइटम, जो भी कुछ हो उसके अंदर हमारे बच्चे बहुत शौक से ये खाते हैं. और अब आपको जानकर ये ज़रूर मालूम पड़ा होगा कि ये टोमेटो केचप हमारे जान के लिए कितना ज़्यादा ख़राब है और नुकसानदेह है. उससे अच्छा ये है कि आप अपने घर में फ्रेश टोमेटो की प्यूरी बनाएं और वो इस्तेमाल करें. और हाँ, उसमें शुगर और सॉल्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें. नंबर टू पे हमारे पास है सोडा. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और सोडा, इन अदर वर्ड्स कोल्ड ड्रिंक. आजकल हर जगह जाएं, जहां भी जाएं, चाहे आप किसी की शादी में जाएं, चाहे आप किसी की पार्टी में जाएं, वहां आपको कोल्ड ड्रिंक लाजमी मिलेगी. कहीं आप बाहर खाना खाने जाएं तो एडवर्टाइजमेंट ऐसी की जाती है कि आप पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. भूल जाएं उन एडवर्टाइजमेंट को, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं आपको उसकी कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे ख़तरनाक राज जिसको जानकर शायद आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे. इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बोनेटेड चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, केमिकल्स यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ की गई हैं, शुगर यूज़ किया गया है जो कि आपकी बॉडी से विटामिन को ख़त्म कर देती है, आपकी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज़ करती है जिसकी वजह से आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन सकते हैं. और जो हार्मफुल जो आर्टिफिशियल केमिकल यूज़ किए गए हैं वो आपको हार्ट अटैक के करीब लेके जा सकते हैं. और न सिर्फ ये कोल्ड ड्रिंक आपको कैंसर के मरीज़ भी बना सकती है. तो इससे दूर रहें. और इससे अच्छा ये है कि जब आपका कोई भी एनर्जी ड्रिंक यूज़ करने का या पीने का दिल करे तो आप अपने घर में जो भी फ्रेश उस सीज़न का फ्रूट चल रहा है उसका आप जूस बनाएं और वो इस्तेमाल करें, वो आपको फ़ायदा भी देगा. नंबर थ्री, शुगर. अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये वीडियो लाजमी देखें और ये क्लिप लाजमी सुनें. इसको सुनने के बाद आई एम डैम श्योर कि आप मीठा खाना कम कर देंगे. अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि शुगर से क्या क्या चीज़ें आपके बॉडी में चेंज लेकर आती हैं. अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हैं तो आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है. जब आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा होता है. जब आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा होता है तो आपके दिल के आसपास भी फैट जमा होता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट डिजीज़ होना शुरू हो जाता है. और जब हार्ट डिजीज़ होगा तो आपको हार्ट अटैक आने का ख़तरा बढ़ेगा. जब हार्ट अटैक आने का ख़तरा बढ़ेगा तो आप मौत के करीब जाते रहेंगे. तो मेक श्योर अवॉइड शुगर, शुगर से दूर रहें. उससे अच्छा ये है कि आपको जब कभी मीठा खाने को दिल हो तो जो भी सीजनल फ्रूट हो एक बाउल उसका ले लें और प्योर हनी का एक स्पून डाल के उसको आप यूज़ करें. वो बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद है एज कम्पेयर टू शुगर. नंबर फोर हमारे पास है डेली मीट्स. बात करते चलें डेली मीट्स यानी कि गोश्त की. अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो वो कहीं कहीं नुकसानदेह भी हैं.
कैसे है वो अभी हम आपको बताते हैं। हमारे यहाँ जो गोश्त हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो फ्रीज किया हुआ गोश्त होता है, जो कि हमारे डिफरेंट सुपरमार्केट्स और सुपर स्टोर से मिलता है। वो गोश्त ख़राब ना हो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको खाने से हमारे बॉडी में कैंसर का रेशो बढ़ जाता है और हमारे का कैंसर होने का ख़तरा भी बढ़ता है। बात की जाए इससे दिल की बीमारियां भी होती हैं, हमारा डायबिटीज़ लेवल भी बढ़ता है और तो और हमारे बिहेवियर में बहुत सी चेंजेस आती हैं, क्योंकि लाजमी सी बात है जब हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, हमारे साथ कोई ना कोई डिजीज़ होगा तो हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस बिल्कुल आएंगी। बात की जाए बच्चों में, तो बच्चों में भी इसका बहुत नुकसान होता है और उनकी जो याददाश्त होती है यानी कि उनकी जो याद करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। और अगर बात की जाए कि आपको अगर गोश्त खाने को दिल भी करे तो मिनिमम मंथ में आप एक से दो मरतबा उसको यूज़ करें, बट मेक श्योर कि किसी सुपरमार्केट से परचेज ना करें, बल्कि अपने सामने जो आपके एरिया में लोकल जो कि बुचर की शॉप होती है, गोश्त की दुकान होती है, वहाँ से जाकर आप उसे फ्रेश लें और फ्रेश खाएँ और हेल्दी लाइफ रहें। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेजिटेबल ऑयल। बात करते हैं वेजिटेबल ऑयल की, तो ये वो ऑयल है जो आजकल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली हम सिर्फ जाके देखते हैं कि कौन सा ऑयल सस्ता है, कौन सा ऑयल की ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, हम ये नहीं देखते ना हम सोचते हैं कि ये ऑयल सही तरह से रिफाइन किया जाता है या नहीं किया जाता। आजकल जो ऑयल मार्केट में जो यूज़ किया जाता है वो ऑयल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसके अंदर बहुत सी बीमारियां होती हैं जिसको खाने से हमारी बॉडी में कैंसर लेवल इंक्रीज़ होता है। और आजकल यही वजह है कि हमारे यहाँ पर हर अगला बंदा कैंसर के बीमारी में मुब्तला हो रहा है, तो हमें चाहिए कि हम कुछ पैसे बचाने के लिए ऐसे ऑयल यूज़ ना करें जो हमारे लिए ख़तरनाक साबित होता है। वेजिटेबल ऑयल वो उन वेजिटेबल से निकलता है जो वेजिटेबल हम यूज़ नहीं कर सकते, डिफरेंट प्रोसीजर्स उसको निकाल के उसमें से ऑयल लिया जाता है। हम बात करें डिफरेंट मार्केट्स में, बाहर के फूड्स में जो कि जंक फूड्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज हो गए और बर्गर्स वगैरह हो गए, उसमें भी यही ऑयल यूज़ किया जाता है। तो मेक श्योर इन चीज़ों से बचें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। और ऑयल जो यूज़ करना है ज़्यादातर कोशिश करें फोकस आपको होना चाहिए ऑलिव ऑयल पर, कोकोनट ऑयल पर, एवोकाडो ऑयल पर। ये वो ऑयल हैं जो आप अपने सामने इनको रिफाइन भी करवा सकते हैं और बिला झिझक आप इनको यूज भी कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मार्जरीन। बात करते चले मार्जरीन की, तो अगर आपने हमारी प्रीवियस स्लाइड देखी है जिसमें मैंने बताया था कि वेजिटेबल ऑयल के क्या क्या नुकसान होते हैं, मार्जरीन भी वेजिटेबल ऑयल से ही बनता है, ये हरगिज़ बटर नहीं होता। हमारे यहाँ पे एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हम मार्जरीन को बटर समझ कर यूज़ करते हैं और अपने रोज़ाना की सुबह उसी को खा के करते हैं। उससे नुकसान क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में फैट लेवल इंक्रीज़ होता है और उस फैट लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी हार्ट के इर्द गिर्द भी फैट जमा हो जाता है और हमारे ब्लड वेसल्स जो कि हमारे खून के सेल्स होते हैं जो कि हार्ट में सर्कुलेट करते हैं उसमें रुकावट बनता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट में जो है ब्लड फ्लो रुक जाता है और हमें हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस चीज़ से दूर रहें, ये आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी इंक्रीज़ करता है। मेक श्योर कि प्रॉपर बटर इस्तेमाल करें और ऐसी तमाम चीज़ों से दूर रहें जो कि हमें ले जा रही है मौत के करीब। नेक्स्ट वन इज पोटैटो चिप्स। मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हो, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। तो चलते हैं आगे स्लाइड की तरफ। पोटैटो चिप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी डीप फ्राइड फूड्स होते हैं जो कि बाहर से आते हैं, ज़्यादातर उनमें वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो ऑयल हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो अगर हम पोटैटो चिप्स को अगर उस ऑयल में डीप फ्राई करते हैं तो उसमें डिफरेंट किस्म के कैंसर्स होने का खदशा होता है, जिसमें आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया और डिफरेंट किस्म के कैंसर आपकी बॉडी में इंक्रीज हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि इन चिप्स से दूर रहें जो कि स्लिम्स और डिफरेंट टाइप के, चाहे वो डीप फ्राइड हों चाहे वो पैकेट वाले हों, उनसे खुद भी दूर रहें, अपने बच्चों को भी दूर रखें। हमारे यहाँ पर आजकल एक कॉन्सेप्ट हुआ हुआ है कि जो बच्चे खाना नहीं खाते उनको जो है वो फ्रेंच फ्राइज या डिफरेंट चिप्स की ऑफ़र की जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उनकी सेहत का ख्याल रखें। पोटैटो चिप्स से खुद भी दूर रहें, अपने बच्चों को भी दूर रहें, उनको हेल्दी ग़िज़ा दें, हेल्दी डाइट दें ताकि वो बीमारियों से बचे रहें।
सो ये थी हमारी आज की मासम माइंस की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड होप दैट यू लर्न सम इंफॉर्मेटिव नॉलेज विद मासम माइंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला होगा।